शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दुल्हन तो विदा हुई नहीं तो हम अपना परिवार यहीं ले आए मुंह दिखाई के लिए। जब तक हमारी बीवी यहाँ रहेगी हमारा परिवार यहाँ रहेगा। और आज नहीं तो कल जब हम ये साबित कर ही देंगे ना कि ये शादी सिर्फ एक झूठ है तब आप लोग क्या करेंगे ये सोचिए। भूल गई पंचायत की बात दुल्हन? पंचायत के हिसाब से या तो तुम हमारे साथ विदा होकर ससुराल चलो या तुम्हारा परिवार हमारे पोते के पैरों में झुके उसके पैर धोए तब हम यहाँ रुकेंगे। हम करेंगे। ताऊ जी, नहीं नहीं नहीं, क्या फर्क पड़ता है, क्या हो जाएगा? रसम है, इससे हम छोटे थोड़ी हो जाएंगे। देखो, अगर हमने ये नहीं किया ना तो ये लोग तुम्हें ले जाएंगे। इनकी चाल है, हमें कर लेने दो। साहू जी, हम अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। अगर वो ये नहीं चाहती कि आप ये रस्म करें तो हम भी नहीं चाहेंगे। लेकिन हमारी अम्मा जी की बात का मान तो रखना पड़ेगा। इसलिए कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। बीच का रास्ता ये है। ठीक है, अगर आप ये नहीं चाहती कि आपके ताऊ जी ये रस्म करें कोई बात नहीं, आप करेंगी ये रस्म। आप धोएंगी हमारे पांव। पति के चरणों में तो स्वर्ग होता है ना, क्यों पत्नी जी? सोच लो, तुम पाव धोती हो या बड़े ठाकुर? चलो दुल्हन, मुंह ना ताको, जल ला और अपने दूल्हे के पांव पखारो। चलो, ये सब कौन करते हैं आजकल? ए बिटुआ, हमको ज्यादा कायदा मत सिखाओ। ये सब करना जरूरी है
जब तुम्हारी शादी होगी तभी तुम समझोगे। कोई बात नहीं बंटी, इनके पोते को सम्मान चाहिए ना, पूरा सम्मान मिलेगा। इनके पांव भी पखारेंगे और टीका भी करेंगे। लो, धो दिए तुम्हारे पैर। अब टीके की बारी। टीका भी हो गया, अब खुश? बहुत खुश। एक बार आईने में अपना चेहरा तो देख लो, कहीं कोई कसर तो नहीं रह गई हो? कसर तो कोई नहीं है, लेकिन आईने की जरूरत हमें नहीं, आपको है। एक बार अपनी मांग तो देख लीजिए। जानती है, लेकिन मानती नहीं है बीवी। हमारी जोड़ी ऊपर से बनकर आई है, आप लाख कोशिश कर लीजिए। आपकी मांग में सिंदूर हमारे नाम का ही लिखा था। चलिए ताऊजी, मेहमानों को थोड़ा आराम करने देते हैं, सब थक गए होंगे ना। तुम्हारे नाक में नकेल और गले में पगा हम ही डालेंगे। बताओ तुम क्या सोच रही हो कि हम कुछ नहीं जानते? हमको शिबू ने सब बता दिया है। जिला पंचायत का फैसला है ये कि तुम चाहे जो कहो लेकिन इस शादी को तुमको मानना ही पड़ेगा। अब तुम हमारे घर की दुल्हन हो। गनीमत समझो,
आपके परिवार की तसल्ली के लिए आपको विदा कर ले जाने के बजाय हम अपना परिवार विदा कर यहाँ ले आए, लेकिन किसी बुलावे के अंदर मत रहिएगा। आज के बाद आप सिर्फ एक बेटी ही नहीं, हमारे खानदान की बहू भी है, एक पत्नी है, एक भाभी है, वो सारे फर्ज आपको निभाने पड़ेंगे। मायके से पहले ससुराल को आगे रखना पड़ेगा, वरना वो वीडियो। वक्त बदलते ना, वक्त नहीं लगता है। और आज जो तुम हमें जिस वीडियो के लिए धमका रहे हो ना, वादा करते कि अगले 30 दिनों के अंदर साबित करके रहेंगे कि ये शादी झूठी है। और इस बार तुम्हारा मुंह काला होगा, सब जगह न्यूज पे तुम होगे, तब तक जो मन चाहे कर लो। चलो 30 दिन तक ही सही, आपने हमको अपना पति तो माना। चिंता मत कीजिए ताऊजी, इस तूफान को बिना झेल लेंगे हम। अरे आप सब हमारे सामने हैं, बस इतना ही चाहिए हमें। बाकी हम ठीक है। आपका विदाई गान पूरा हो गया हो तो हम रस्में पूरी करें। हमने तुम्हारी जमानत करा दी है। जी आप कौन? शुभचिंतक। तू क्या कर रहा है? जाके मुंह धो लो। शुक्रिया शुभचिंतक, तुम जो भी हो, आज तुम न होते तो हम अपने मकसद में कामयाब न हो पाते। भी नहीं लगाया, अब दोनों पति पत्नी की तरह माँ का आशीर्वाद ले लो। कर लो बेटा। अरे ऐसे कपार उघाड़ के करोगी? न सिंदूर न मंगलसूत्र, ब्याह हो गया है तुम्हारा। शिवो एक एक करके ये सब पहना दे। वसुधा सर पे पल्ला डालो। शिवो पहले चूड़िया पहना दे। हम उम्मीद करते हैं कि पंचायत के फैसले का आप सम्मान करेंगे, नहीं तो आप खुद सोच लीजिए, आज जो घर का मामला है वो कल कोर्ट कचहरी का बन जाएगा।
अब सिंदूर कौन लगाएगा? अगर आपने हमारी और श्रवणी की शादी को नहीं अपनाया, कल ये सनसनीखेज खबर पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा। मंगलसूत्र कौन पहनाएगा? फांसी लगा लेंगे लेकिन इसके हाथ से नहीं पहनेंगे। पहना तो सही, आगे से बिना सिंदूर और मंगलसूत्र दिखाई मत देना। जाओ, अबे माता का आशीर्वाद ले लो। चलो बेटा, माथा टेक लो। बेटा अब हो गया दर्शन, अब बहू को कमरे में ले जाओ। चलिए। हमको नहीं पता, हमें लगा जैसे कोई यहाँ था। पापा, हाथी का हाथ लगे गिर गया होगा नींद में। देखिए अलमारी भी खुली छोड़ दी है आपने। हो गए पापा, अब सो जाइए। कैसे सोए स्वीटी, हमारा मन तो सोने में लगा। बैठिए, चलिए बैठिए। वो तो इसी घर में है, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो हमें जरूर पता चलेगा। आप ना अभी आराम कीजिए, हम आपके लिए गरम गरम दूध भिजवाते हैं, नींद अच्छी आएगी। ठीक है। देखिए आप ऐसे परेशान मत होइए, हमारी जो अम्मा जी है ना वो थोड़ी कर रही है, आप एक बार उनके इम्तिहान में पास हो जाएंगे ना, फिर देखना वो सबसे ज्यादा लाड़ और प्यार आपसे ही करेंगी। चुप रहोगे तुम? लो, हम तो कुछ बोले ही नहीं। नहीं, इतना अंधेरा क्यों है?
तुम्हें क्या, तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर हम निहाल हो जाएंगे। अब इस शादी के चक्रव्यूह में तो हमने तुम दोनों को फंसा दिया, लेकिन इस चक्रव्यूह से निकलोगे कैसे, क्योंकि निकलने का हमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।